हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज है छठ पूजा का महापर्व। छठ पूजा वैसे तो बिहार का एक प्रमुख त्यौहार है, लेकिन अब पूरे इंडिया में मनाया जाता है, पूरे भारतवर्ष में इसको मनाया जाता है काफ़ी धूमधाम से। तो मैं फिलहाल मथुरा में मौजूद हूँ और मथुरा में भी इस त्यौहार की बड़ी धूम है। और सुबह सुबह मैं यमुना जी के घाटों पर आया हूँ और यहाँ का जो नज़ारा है काफ़ी अद्भुत है, क्योंकि तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है और सारे जो घाट हैं, मथुरा वृंदावन के लगभग 108 घाट हैं और सभी घाटों पर छठ पूजा का आयोजन जो है बड़ी धूमधाम से किया जाएगा। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मथुरा के प्रमुख घाटों को कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई है। अभी फिलहाल मैं गौ घाट पर खड़ा हूँ और ये भी मथुरा का एक प्रमुख घाट है। ये घाट जो है कंस किले के पास में बिल्कुल बगल से बना हुआ है। तो मैं आपको एक बार कंस किला भी दिखा देता हूँ, जो कि भगवान श्री कृष्ण के मामा का किला था, यहीं से वो अपना शासन चलाया करते थे। तो फिलहाल अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आज शाम को छठ पूजा का महापर्व मनाया जाएगा तो उसका वीडियो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। तो दोस्तों आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये पूरा जो एरिया है ये गौ घाट का क्षेत्र है और ये सामने जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग वह काफ़ी पुरानी है, लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस का किला है जो कि अभी जर्जर हो चुका है, क्योंकि इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। इस वजह से इसकी जो कुछ दीवारें हैं वो ढलने लग गई हैं और काफ़ी पुराना है, लगभग 5,500 वर्ष पुराना है। तो इसकी जो स्थिति है काफ़ी बेकार हो चुकी है। हालांकि अभी भी इसकी एक साइड की दीवार जो है काफ़ी मजबूत है, जो कि यमुना जी की तरफ है। तो अभी फ़िलहाल गौ घाट पर हैं और यहाँ से आगे चलेंगे, अभी विश्राम घाट, स्वामी घाट भी आपको दिखाएंगे, तो लास्ट तक बने रहना। तो गौ घाट से सबसे पहले हम बैठेंगे नाव में और नाव में बैठ करके हम चलेंगे विश्राम घाट की ओर। तो फटाफट से नाव में बैठते हैं। तो नाव में हम बैठ चुके हैं और ये नज़ारा कुछ आप देख सकते हैं नाव में बैठने के बाद। दोस्तों नाव में बैठने का रीज़न ये है कि आज द्वारकाधीश मंदिर में सीएम योगी जी आ रहे हैं, इस वजह से जो प्रमुख मार्ग हैं उनको बंद कर दिया गया है, उधर से कोई भी वाहन नहीं जा रहा है। इस वजह से हमें जो है नाव में बैठ करके विश्राम घाट की तरफ जाना पड़ रहा है, लेकिन ये भी एक अच्छा अवसर है आपको नाव में बैठ करके सभी घाटों के दर्शन करवाने का। तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, इंजॉय करेंगे और सभी के पास में शेयर करेंगे। दोस्तों छठ पूजा का महापर्व वृंदावन से लेकर के मथुरा के सभी घाटों में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इसकी तैयारी काफ़ी धूमधाम से यहाँ पर की गई है ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो। तो देख सकते हैं आप, हम बैठ चुके हैं नाव में और नाव से आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू यहाँ का आप देख पा रहे हैं। तो इधर की साइड आप देखेंगे तो ये सारे के सारे घाट हैं मथुरा नगरी के, और आप अगर वृंदावन घूमने या मथुरा घूमने आते हैं तो नाव में बैठ करके एक बार सफ़र ज़रूर करें, इससे आप अच्छे से दर्शन कर पाएंगे, अच्छे से आप देख पाएंगे। तो नाव में से हम सीधे विश्राम घाट पर उतरेंगे। हालाँकि बहुत सारे घाट हैं मथुरा के और वृंदावन के, तो सभी घाट हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अभी छठ पूजा की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं, थोड़ी देर में यानी कि लगभग 4 बजे से यहां पर जो छठी मैया की पूजा करने वाले लोग हैं वो आने लग जाएंगे और हमारे साथ में नाम में कुछ कृष्णा जी के भक्त मौजूद हैं जो आपने देखे थे अभी वीडियो में। और अभी नाव जो है किनारे की तरफ जा रही है क्योंकि हमें इधर ही उतरना है, क्योंकि हम आगे उतरेंगे तो पूरा व्यू जो है आपको नहीं दिखा पाएंगे विश्राम घाट का और स्वामी घाट का। तो यहाँ पर बहुत सारे घाट हैं, तो हम यहाँ से उतर के आपको पैदल ही चलेंगे और दिखाते हुए समझाते हुए ले जाएंगे कि कौन सी जगह है, कैसी तैयारियाँ हैं आगे, तो सब कुछ आपको हम आगे बताते चलेंगे। तो वीडियो को शेयर सबके पास कर देना दोस्तों। तो उतरने के बाद में हम सीधे घाट पर आ गए हैं और यहाँ पर साफ़ सफाई आप देख सकते हैं कि सभी घाटों को अच्छे से धो दिया गया है, साफ़ सफाई काफ़ी अच्छे से की गई है और यमुना जी के अंदर आप देख सकते हैं ये टीन ये प्लाई है, प्लाई यानी कि लकड़ी के जो होते हैं प्लाईवुड वो लगा दिए गए हैं ताकि इन पर बैठ करके खड़े होकर के छठी मैया की पूजा लोग कर पाएँ। और ये जो मंदिर देख रहे हैं ये है विश्राम घाट का मंदिर। ये मंदिर जो है जब मथुरा में बाढ़ आई थी ये पूरा मंदिर डूब गया था, तो ये काफ़ी अच्छा मंदिर है। इसी मंदिर पर कृष्णा जी ने कंस को मारने के बाद में विश्राम किया था, तब से इस मंदिर का नाम जो है विश्राम घाट पड़ गया।
हालांकि अभी भी यहाँ पर कुछ जगह सफाई चल रही है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था काफ़ी अच्छी की गई है कि कोई दुर्घटना ना हो। बाकी यमुना भैया को यहाँ पर चुनरी भी उड़ाई जा रही है नावों के द्वारा, तो बहुत ही अच्छा अवसर है और काफ़ी धूमधाम से छठी मैया का जो त्यौहार है मनाया जा रहा है। बहुत सारे लोग भारी संख्या में यहाँ पर त्यौहार मनाने के लिए आ रहे हैं। इसकी तैयारियाँ भी बहुत अच्छी की जा चुकी हैं यहाँ पर। तो इधर देख सकते हैं आप, हम नाव में से आपको दिखा रहे हैं, दूसरी नाव में हम भैया की में, हमने की भैया आ जाएं, उनने की आ जाओ। तो इधर का आप नज़ारा देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं आप, ये और भी आगे तक यहाँ पर टेंट लगे हुए हैं और पिलाई लगा दिए यमुना मैया में, ताकि आराम से लोग छठी मैया की पूजा कर सकें। तो अभी हम दूसरी तरफ चलते हैं, अगले घाट की तरफ चल रहे हैं। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये है परिक्रमा मार्ग, तीन वन की परिक्रमा जो स्टार्ट होगी, मथुरा की जो परिक्रमा लगती है, ये परिक्रमा मार्ग ही है, यमुना जी के किनारे किनारे से होकर के लगती है। तो अभी परिक्रमा में होकर के हम जा रहे हैं आगे अगले वाले घाट पर, तो वहाँ की तैयारी आपको दिखा दें कि कैसी हो रही हैं। तो यहाँ पर अलग अलग जो टीम है वो अपना अपना काम कर रही हैं, जैसे कि समिति बनी हुई है, अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, तो उनके अलग अलग यहाँ पर पांडाल लगे हुए हैं। तो एक पांडाल ये भी लगा हुआ है, ये भी काफ़ी सुंदर है, इस पर भी काम चल रहा है, मतलब अभी तैयारियाँ हो रही हैं। इसके सामने भी प्लाई वगैरह जी लगाई गई है यमुना जी में, ताकि इस पर खड़े होकर के पूजा कर सकें। तो बहुत अच्छे से तैयारी की गई है, बहुत अच्छे से यहाँ पर सजाया गया है। पूरा वीडियो हम आपको छठी मैया का पूरा वीडियो शाम को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हम आएंगे थोड़ी देर में, जब प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा तब उसको शूट करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि वो वाला प्रोग्राम भी आप देख पाएँ। अभी इस वीडियो में हम आपको तैयारी दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से तैयारी यहाँ पर घाटों पर की जा रही है, वो तैयारी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप कि बहुत बड़ा यहाँ पर स्टेज सा बना दिया गया है, ताकि किसी को भी कोई असुविधा ना हो। पहले करीब 5 से 6 साल पहले इतने धूमधाम से त्यौहार नहीं मनाया जाता था छठी मैया का, लेकिन अब बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाने लग गए हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये रास्ता जो जा रहा है, ये द्वारकाधीश मंदिर की तरफ जा रहा है और हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, राधे राधे।